मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राग के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आज से 22 साल पहले आज ही के दिन सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रिटी जिंटा स्टार फिल्म हर दिल जो प्यार करेगी रिलीज हुई थी। डायरेक्टर राज कंवर डायरेक्टेड इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। राज इससे पहले दीवाना, लाडला, जॉन, जीत और जुदाई जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। ये फिल्में उनकी हिट फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हो गई और उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 13 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। इसमें सलमान खान, प्रीटी जिंटा और रानी मुखर्जी के अलावा राजीव वर्मा, परेश रावल, नीरज वोरा, शक्ति कपूर और सतीश झा जैसे एक्टर्स नजर आए थे। आज इस फिल्म को पूरे 22 साल हो गए हैं, तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीटी जिंटा इस फिल्म के बाद अगले साल ही 2001 में रिलीज हुई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में एक बार फिर से साथ नजर आए। हालांकि तीनों ने इस फिल्म को पहले साइन किया था, लेकिन हर दिल जो प्यार करेगी पहले रिलीज हुई। साजिद नाडियाडवाला के साथ सलमान खान की ये तीसरी फिल्म थी उस समय। दोनों इससे पहले जीत, जो कि 1996 में रिलीज हुई, और दूसरी जुड़वा, जो कि 1997 में रिलीज हुई, काम साथ कर चुके थे। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई मोहनलाल स्टार और मलयालम फिल्म चंद्रलेखा की हिंदी रिमेक थी। इस फिल्म को कोर प्लॉट 1995 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म व्हाइल यू वर स्लीपिंग से भी लिया गया था। इसके अलावा फिल्म की कहानी पाकिस्तानी ड्रामा तुमसे कहना था से भी इंस्पायर्ड थी। इस ड्रामा में अली हैदर और मरीना खान लीड रोल में नजर आई थी। 40वें फिल्म फेयर अवार्ड में रानी मुखर्जी को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नॉमिनेशन मिला था। हालांकि वो ये अवार्ड अपने नाम नहीं कर पाई थी। ये अवार्ड जया बच्चन के नाम इसी साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म फिजा के लिए अपने नाम किया था। फिल्म में रानी और सलमान की फेक मैरिज दिखाई गई। यही प्लॉट इसी साल रिलीज हुई 2 और फिल्मों में भी रिपीट किया गया। ये फिल्म कुवारा और ढाई अक्षर प्रेम में रिपीट किया गया। फिल्म के आखिरी सीन में सलमान खान और शाहरुख खान साथ नजर आए थे। इसमें शाहरुख ने गेस्ट अपीयरेंस की थी। करण अर्जुन, दुश्मन दुनिया का और कुछ कुछ होता है के बाद दोनों इस फिल्म में तीसरी बार नजर आए थे। फिल्म के लिए मेकर्स ने कास्टिंग में कई बदलाव किए थे। प्रीटी जिंटा के रोल के लिए तब्बू को चुना गया था। जब उन्होंने फिल्म छोड़ी तो इस रोल के लिए करिश्मा कपूर को साइन किया गया। फिर जब करिश्मा ने भी ये फिल्म छोड़ दी, तब इस रोल के लिए अमीषा पटेल से बात की गई। अमीषा ने भी डेट्स ना होने की वजह इस फिल्म में काम नहीं किया और फाइनली ये रोल प्रीटी जिंटा के पास पहुंचा। कुछ इसी तरह पहले सलमान खान का रोल अनिल कपूर को ऑफर किया गया, वहीं रानी मुखर्जी के रोल के लिए महिमा चौधरी को साइन किया गया था। इतना ही नहीं, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के नामों पर भी रानी मुखर्जी और प्रीटी जिंटा के द्वारा निभाए गए रोलों पर विचार किया गया था। तो कई नाम फेर बदल करने के बाद फाइनली ये फिल्म बनी और लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। ये तीनों की तिगड़ी कमाल कर गई बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म के गाने, फिल्म के स्क्रिप्ट, फिल्म के स्टोरी लाइन, सब कुछ लोगों को पसंद आया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही। वेल, क्या सलमान खान की ये फिल्म आपने देखी है या नहीं, और आप लोगों ने देखी है तो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।